क्रमशः श्री डुगरगढ़ टाइम्स के सभी पाठकों में दर्शकों का टाइम्स के वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं 4 फरवरी 2020 की हमारे क्षेत्र की खास खबरें। माघ दशमी पर क्षेत्र में हुए बाबा रामदेव के धार्मिक मेले, जेतासर की गौशाला में आयोजित राम कथा में दी गो सेवा की प्रेरणा। कैंसर दिवस पर हुए विभिन्न आयोजन, चिकित्सा विभाग NSUI ने बताया कैंसर से बचने के उपाय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निभाया सामाजिक सरोकार, बांटे जरूरतमंद बच्चों को जूते। अतिक्रमण हटाने के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल हुए भाजपा नेता पहुंचे धरना स्थल पर। SFI ने निजी महाविद्यालयों में प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ खोला मोर्चा। पुराने बस स्टैंड पर ताश पत्ती खेलते दो जने गिरफ्तार। विवाह के 15 वर्षों बाद दहेज की मांग पर निकाला विवाहिता को घर से। मारपीट के मामले में दो गिरफ्तार, लाठी सरिया पुलिस द्वारा बरामद। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय टुकरियासर में वार्षिकोत्सव का धूमधाम से हुआ आयोजन। कहते हैं रंग रंगीले राजस्थान के मेले व उत्सवों के कारण ही यहाँ के निवासी हमेशा उमंग और उत्साह से भरे रहते हैं। ऐसे ही उमंग एवं उत्साह देने वाले मेले मंगलवार को बाबा रामदेव जी को नमन करते हुए श्री डूंगरगढ़ कस्बे सहित क्षेत्र के गांव मोमासर, रेड़ी, लिखमीसर आदि जगहों पर आयोजित किए गए। सभी मेलों में आए श्रद्धालुओं ने हजारों मन्नतें मानते हुए बाबा रामदेव के दरबार में माथा टेका। क्षेत्र के प्रसिद्ध मोमासर मेले में दूर दूर से आए हजारों दर्शनार्थियों ने बाबा की पूजा अर्चना की। इस मेले में ग्रामीण जीवन की पूरी झांकी देखने को मिली। ग्रामीण घरों में साजो सामान से सजी हुई दुकानें भी देखने को मिली। मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कई पहलवानों ने मैदान में जोर आजमाइश भी की। इससे पूर्व सोमवार रात्रि मंदिर प्रांगण में भव्य जागरण का आयोजन किया गया था। पुलिस प्रशासन की देखरेख में आयोजित मेले में ग्राम पंचायत के साथ मिलकर ग्रामवासियों ने स्वयं ही व्यवस्थाओं को संभाल रखा था। इसके अलावा गांव रेड़ी, गांव लिखमीसर में भी बड़े मेले आयोजित किए गए। बाबा रामदेव जी के बड़े मंदिर प्रांगण में भी माघ दशमी का मेला आयोजित किया गया। दशमी के मौके पर आयोजित इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें भी सजाई गईं। गांव जेतासर स्थित शिव गोरक्ष गो चिकित्सालय एवं गौशाला में गो सेवार्थ आयोजित की जा रही राम कथा के दूसरे दिन कथावाचक संत भरत शरण महाराज ने धरती पर पाप बढ़ने पर ईश्वर द्वारा अवतार लेकर धर्म की स्थापना करने की बात कही। महाराज ने विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए गौ माता को विश्व कल्याण का केंद्र बताते हुए गौ सेवा में जुटने का आह्वान भी श्रद्धालुओं से किया। धार्मिक आयोजनों के बाद एक नजर क्षेत्र के सामाजिक आयोजनों पर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के मौके पर क्षेत्र में विभिन्न आयोजन किए गए। राजकीय चिकित्सालय प्रांगण में चिकित्सा विभाग द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा कैंसर जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने कैंसर से बचाव व उपचार संबंधी नारे लगाए। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर SK बिहानी ने बताया कि 4 फरवरी से 10 फरवरी तक कैंसर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है एवं आम जन कैंसर से संबंधित किसी प्रकार की आशंका होने पर चिकित्सालय के NCD क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं। कैंसर दिवस के मौके पर ही छात्र संगठन NSUI द्वारा राजकीय चिकित्सालय में फलों का वितरण किया गया एवं उपस्थित लोगों को कैंसर के कारण, लक्षण व बचाव व उपचार संबंधी जानकारियां दी गई। छात्र नेता सुरेंद्र स्वामी, दिलीप सुथार, गोपाल चाहर, गणेशाराम चाहर, मनीष सायच, योगेश सारस्वत, रामदेव जाखड़, राकेश सिंह, रामलाल मुंड, योगेश पाटनी सर, राजू नायक आदि उपस्थित रहे। है एक ही नारा, कैंसर मुक्त देश हमारा। हम सबका है एक ही नारा, कैंसर मुक्त देश हमारा। हम सबका है एक ही नारा, कैंसर मुक्त देश हमारा। आज विश्व कैंसर दिवस के मौके पर NSUI सिडुंगरी की टीम के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिडुंगरीगढ़ में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक
सामाजिक सरोकारों के तहत मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय डाका विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूतों का वितरण किया गया। नगर मंत्री ओम राज पुरोहित ने बताया कि जूते वितरण के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत एवं कविताओं की प्रस्तुतियां दी व अध्यापकों ने आभार जताया। इस दौरान परिषद के पवन सारस्वत, किशनपुरी विजय शर्मा, सुमन सिद्ध, अंशुल शेखावत, नवीन चौधरी, शक्ति सिंह, शुभकरण, विजय सिंह आदि उपस्थित रहे। रुख करते हैं क्षेत्र की आंदोलनात्मक गतिविधियों की ओर। नेशनल हाईवे पर गुड़ानिया पंप के पीछे पालिका भूमि पर अवैध रूप से बनाई हुई गोरक्षनाथ बस्ती एवं वीर तेजा कॉलोनी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को 43वें दिन भी जारी रहा। यह आंदोलन अब भाजपाई आंदोलन बनता जा रहा है। वे भाजपा नेता इस आंदोलन के समर्थन में उतर चुके हैं। मंगलवार को धरने पर नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे एवं प्रशासन की कार्रवाई की निंदा करते हुए प्रभावित लोगों को भूमि आवंटन एवं मुआवजा दिलवाने की आवश्यकता बताई। इससे पूर्व सोमवार रात्रि को धरना स्थल पर पूर्व प्रधान छेलू सिंह शेखावत, जिला उपाध्यक्ष कृष्णाराम गोदारा, मोहन सिंह कस्वा व इससे पूर्व भाजपा नेता रामगोपाल सुथार आदि भी धरने पर पहुंचे थे। इस दौरान हेमनाथ जाखड़, शिव तामणिया, भवानी प्रकाश तामणिया, किशन गोदारा, देवकी नंदन आदि नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलाया व आंदोलन में सहयोग मांगा। छात्र संगठन SFI द्वारा भी आंदोलनात्मक गतिविधि के तहत मंगलवार को गांव बिका के बीएड कॉलेज में जागरूक छात्र सभा आयोजित की गई। जिला सचिव मुकेश सिद्ध ने बताया कि सभा में छात्रों को जागरूक करते हुए किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं करने देने के लिए उत्साहित किया गया है। इस दौरान बीएड कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की गई एवं किसी भी प्रकार की वसूली करने पर महाविद्यालय का तालाबंदी आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। SFI ने सदस्यता अभियान के तहत गांव बिग्घा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी छात्रों को सदस्यता दिलवाई। इस दौरान महेंद्र जाखड़, मुकेश भुवाल, बीरबल चौधरी आदि उपस्थित रहे। निजी शिक्षण संस्थाओं में वार्षिकोत्सव का आयोजन तो आए दिन देखने को मिल जाता है, लेकिन क्षेत्र के राजकीय विद्यालय भी अब वार्षिकोत्सव मनाकर राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका दे रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला मंगलवार को गांव टुकरिया सर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में। इस विद्यालय में प्रथम बार वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने उत्साह के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत तहसीलदार मणिराम कीचड़, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धर्मपाल सिंह पूनिया, नोडल अधिकारी विमला गुजर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ईश्वर गरवा और सरपंच अमरा राम ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। संस्था प्रधान राजेंद्र मारू ने सभी अतिथियों का आभार जताया। मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि गांव कुनपाड़ सर के निवासी शेराराम बावरी ने अपनी पुत्री कोयली देवी का विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व बिदासर निवासी भियाराम बावरी के साथ किया था और अपनी क्षमता अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही कोयली देवी के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे कम दहेज लाने का उलाना देते हुए तंग और परेशान करना शुरू कर दिया। बाद में कोयली देवी की 3 संतानें भी हुई जिनके चूचक के समय भी पीहर पक्ष की ओर से दहेज भी दिया गया था, लेकिन फिर भी कोयली देवी के पति भिया राम, जेठ शरवण राम, तुलसा राम व जिठानी ग्यारसी देवी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया और 50,000 रूपए व मोटरसाइकिल की मांग की। उसे गत 25 जनवरी को 3 संतानों के साथ घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाने में हाजिर होकर मामला दर्ज करवाया है। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के मध्य पुराने बस स्टैंड पर ताश पत्ते पर जुआ खेल रहे 2 जनों को श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ASI पपुरा मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मैं पुलिस बल पुराने बस स्टैंड पर
पहुंचे तो वहां पर लिखवा देसा निवासी रामलाल जाट और आरसरबास निवासी महेश कुमार दास पट्टी पर जुआ खेल रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आरोपियों से 1,820 रुपए नकदी व 52 ताश पत्तियां जब्त कर ली है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने गत 24 जनवरी को गांव बाडेला में हुई मारपीट की घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई हेतराम चौधरी ने बताया कि मिक्सरिया निवासी हनुमाना राम प्रजापत अपने गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे बाडेला निवासी नंदू मेघवाल व इमरता राम मेघवाल ने उसका रास्ता रोक लिया व शराब के लिए पैसे मांगने लगे। नहीं देने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ लाठी व सरिये से अंधाधुंध मारपीट की। प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं एक दिन के रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर मारपीट में प्रयुक्त लाठी व सरिया बरामद कर लिया गया है। मंगलवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पुनः पेश किया गया एवं वहां से उन्हें बीकानेर जेल भेज दिया गया है। ये थी हमारे क्षेत्र की आज की खास खबरें। देश प्रदेश के साथ श्री डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के सभी प्रमाणिक और विश्वसनीय समाचारों को प्राप्त करने के लिए जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।